सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीते रोज कुछ लोगों ने एक सेंटरिंग व्यवसायी के साथ मारपीट कर दी। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी मारपीट कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगरौली जिले का कोतवाली थाना इस समय प्रभारी विहीन है। तत्कालीन थाना प्रभारी सुदेश तिवारी के निलंबन के बाद से ही क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहां एक सेंटरिंग का कार्य करने वाले ठेकेदार कृष्ण शाह द्वारा सेंटरिंग खोलने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें ये नीचे खड़े कुछ वाहनों को वहां से हटवा रहे थे। इस दौरान एक युवक आया और गाड़ी नहीं हटाने की बात पर अड़ गया। दोनों पक्षों में जमकर तूतू-मैं-मैं होने लगी। तभी युवक ने फोन पर अपने 10 से 12 साथियों को बुलवा लिया और ठेकेदार कृष्ण शाह के साथ हॉकी डंडे से मारपीट करने लगे, जिसमें पीड़ित किसी तरह बचकर वहां से भागा और कोतवाली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। जारी करते हैं, मेरे पास सेटिंग का है, धंधा चलता है मेरा, और हम सेटिंग खोल रहे थे। बाहर का बर्जा लगा हुआ था और गाड़ी घोड़ा जो लगी हुई थी उनको हटवा रहे थे। ये दो लड़के दुकान यहाँ पे लगाए थे, इनको बोले तो ये लोग गाली गलौज करने लगे और कल भी लेबर मिस्त्री के साथ गाली गलौज किए थे। हम आए कल नहीं थे यहाँ साइड पे, हम आए तो ये लोग गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद चले गए और इसके बाद वहाँ से लड़के 10-12 लड़के लेके आए, हमारे साथ मारपीट की बहुत ज्यादा। ये सब मारने वाले थे, हाथ पे हम मारे, हम पूरा हाथ पूरा 10 लाठी अपने हाथ में मोजे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।